झूठ बोलना ये एक ऐसा अमल है कि कोई ये तो नहीं कहेगा कि भाई आंखें बंद कर लो ये झूठ बोल रहा है, भाई उसने कोई कपड़े थोड़ी ही अपने उतार दिए। झूठ बोलना गुनाह, अल्लाह को पसंद नहीं। किसी दौर में किसी जमाने में भी आप समझते हैं शायद ये इस्लाम और नबियों का खादसा होगा, गैर मुस्लिम के यहाँ भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं है, उसको बुरी नज़र से देखा जाता है, झूठ बोल रहा है। हमारे वालिद साहब सुनाते थे, आप हजरात में भी कुछ लोग होंगे बूढ़े और उस वक्त के बुजुर्ग, फरमाते थे कि एक जमाना था हिंदुस्तान में, भारत में, इसी में ये था कि हिंदू कभी कभी ये जुमले कहते हुए सुने जाते थे, अगर किसी मुसलमान ने झूठ बोल दिया तो हिंदू थर्रा जाता था और थर्राते हुए कहता था कि मियाँ जी मुसलमान हो के झूठ बोल रहे। तो मुसलमानों की झूठ बोलना कोई ज़्यादा बड़ा जुर्म, झूठ तो झूठ है, लेकिन हिंदू को ये पता था कि भाई हम तो हिंदू हैं, गैर हम तो कोई न किताब के पीछे चल रहे हैं न नबी के, ये तो मुसलमान है, ये भी झूठ बोलते हैं। तो इतनी अच्छी शनाख्त थी मुसलमान की। और अब शनाख्त यह है, यूरोप में एक साहब ने अपने किसी दोस्त से बैठे हुए बातें कर रहे थे, यार वो मेरा मकान है पाकिस्तान में, किराएदार छोड़ता ही नहीं, बहुत कोशिश कर ली, मेरा मकान कब्जे में है और मैं यहाँ रहता हूँ इंग्लैंड में। अब वह बातें अपनी आपस में कर रहा है, अपना रोना रो रहा है, तो अंग्रेज भी थे, इंग्लिश में कर रहे होंगे बात। तो अंग्रेज ने उस नशिस्त में जो शरीक था, ये 25 साल पहले मुझे किसी ने वाकया सुनाया था, आप ही में से कोई भाई होंगे, किसी अंग्रेज ने जब ये बातें उसकी सुनी जो बातें हो रही थी कि साहब मेरे मकान पे कब्जा है, वो छोड़ता नहीं, मेरा मकान है, मैंने किराए पे दिया था पाकिस्तान में, तो वो अंग्रेज पता है आपको क्या कहता है जो मुझे सुना है, फौरन कहने लगा ऐसा लगता है किसी मुसलमान को किराए पे दिया होगा। अब ये पहचान है मुसलमान की, पाकिस्तानी को दिया होगा या मुसलमान को दिया होगा। खैर अल्लाह ताला हमें इज्जत और सरबुलंदी अता फरमा दे। मतलब ये है कि झूठ बोलना हर दौर में गुनाह, सच बोलना नेकी का काम है।